गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के चिंतन हुआ है, अलग अलग तरह के सुझाव भी यहाँ सामने आए, क्या करें? देखिए, आज जो यहाँ अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के तत्वावधान में जो आयोजन यहाँ इंदिरापोल गौशाला में हुआ है और लोगों के द्वारा जो गौशालाओं को संचालित कर रहे हैं उनमें बहुत सारी व्यावहारिक समस्याएं हैं। भारतीय सनातन परंपरा में खास तौर से गौ का एक बहुत बड़ा स्थान है और जिस तरह से अभी जो चर्चा हुई थी, हमारे यहाँ कहा है गमयतीति गो, जो विचरण करती है वो गो है। प्रकृति, गाय और पृथ्वी, ये तीनों की संज्ञा गो है। तो हमारे यहाँ ये जो बात है और उसको समझने की विषय है वो यही है कि जो इस पूरे विश्व को सुरक्षित संरक्षित रखने की व्यवस्था है उसमें उसके पीछे गो एक माध्यम है और उसके द्वारा सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे इस सनातन की व्यवस्था में जिसको कामधेनु कहा है, जो सब तरह की इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है, वो कामधेनु है और उसको सेवा के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। हमारे यहाँ पुराने लोग कहते थे कि अगर गौ के पास जाओ और उसके ऊपर हाथ फेरो और जितने रोम उसके झड़ते हैं उतना ही कोटि फल उसका प्राप्त होता है। तो उसके मूल में यही था कि वो सेवा करने से ही उसको कामधेनु बनाया जा सकता है। वो सेवा कार्य छूट रहा है और लोग आजकल उसका दोहन करने में लगे हुए हैं। एक एक गाय रख लेते हैं, चारा बेचने के नाम पर जो ये धंधा सा जो चल पड़ा है इस पूरे भारत में, और उसके बाद उसको छोड़ देना, इससे इसको बचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा एक स्वरूप इसके स्थापित करना पड़ेगा। और यदि ये नहीं किया गया तो पूरी सड़कों पर जिस तरह आज गौएं एक्सीडेंट में मर रही हैं और रोग ग्रसित हो रही हैं और उसके बाद लोग उनको छोड़ दे रहे हैं, ये स्थितियाँ बहुत जटिल होती जा रही हैं। क्योंकि अब वो स्थितियाँ बदल गई जब कृषि प्रधान भारत हुआ करता था और किसी के यहाँ बछड़ा होता था तो बड़ा उत्सव होता था। आज बछड़े हो रहे हैं तो सड़कों पर वो घूम रहे हैं, उनकी स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो रही हैं। तो ये जो गोवंश है इसका हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे सुझाव हैं जो बड़े अच्छे हैं, गौशालाओं को जो चला रहे हैं उन्होंने बहुत सारे शोध भी किए हैं बहुत सारे लोगों ने, और उन शोध पर काम करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस दृष्टि से जो ये कार्यशाला यहाँ आज आयोजित की गई है, मैं इसके लिए इसके आयोजकों को साधुवाद देता हूँ, खासतौर से डॉक्टर अतुल गुप्ता को जिन्होंने ये चिंतन किया कि इस पर कोई ऐसा कार्य हो और सभी लोग मिलकर के कार्य करें, एक का विचार एक का न रह जाए, वो पूरे भारत का विचार बने और वो उस पर कार्य हो। ये इस बात की आज जो प्रेरणा यहाँ से लोगों को प्राप्त हो रही है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा आगे जाकर इसका परिणाम आएगा और वो सारे भारत के लिए एक अच्छा संकेत है और आने वाले विश्व के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। मैं पुनः सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी बात